हाय गाइस, मैं यहाँ पे एक DIY हेयर ऑयल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पहले लिया है 300 ml कोकोनट ऑयल, जिसके अंदर मैं यहाँ पे नीम के पत्ते डाल रही हूँ। जिनको भी डैंड्रफ वगैरह की समस्या है, स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाती है, उनके लिए अच्छा रहता है। कड़ी पत्ते में भी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं। अब मैंने लिया है रोज़मेरी लीव्स, मेथी दाना और सफ़ेद तिल। रोज़मेरी आपको जो ड्राई लीव्स हैं, ये मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अभी रोस्ट करना है। मैंने इसमें डाले हैं लौंग और दालचीनी, सूखे आंवले यानी कि ड्राई आंवला। आंवले की सीज़न में आप फ्रेश आंवला भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे शिकाकाई को भी ऐड किया है और आपको धीमी आँच पर उसको रोस्ट करना है। प्याज के जो छिलके होते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, और आधा प्याज है उसको भी चॉप करके लिया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारे बालों को फिर से ग्रोथ बढ़ाने के लिए, काले करने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए, डैंड्रफ को ठीक करने के लिए, हमारी स्कैल्प की हेल्थ को अच्छा करने के लिए ये सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। ये जो भी सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप इस तरीके से रोस्ट करके, अभी थोड़ा सा ठंडा करके, हमने जो ऑयल के अंदर पहले नीम पत्ता, कड़ी पत्ता वगैरह डाला था, इसके अंदर आपको ऐड कर लेना है धीरे धीरे से। ये सारी चीज़ें आपको मोस्टली घर पे मिल जाएगी, नज़दीक के किराना स्टोर पे मिल जाएगी, या ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। कलौंजी मैं रोस्ट करते वक्त भूल गई थी तो मैंने अब डाल दी है, आप ड्राई रोस्ट करते समय भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने लिया है, यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ ली है जो ठंडक पहुँचाती है, स्मेल अच्छी आती है हेयर ऑयल में। आप घिया यानी कि लौकी को भी ग्रेट करके इसके अंदर डाल सकते हैं तो काफ़ी ठंडक मिलती है। अभी ये पूरे मिश्रण को हमें क्या करना है कि एक रात के लिए इसी तरीके से इसे छोड़ देना है, ताकि ये सारे गुण हैं वो ऑयल के अंदर आ जाए। तो मिक्स करके आप इसे छोड़ दीजिए, और बाहर से गाइस हेयर ऑयल मत लाइए, ओके? इस तरीके से घर पे यूज़ कीजिए, बहुत कम मेहनत में अच्छा गुड क्वालिटी हेयर ऑयल बन जाएगा। पूरी रात मैंने भिगो के रखा, दूसरे दिन सुबह मैंने हल्की आंच पे इसको 5-1 मिनट के लिए बॉईल कर दिया है, और थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो आपको इसको छान लेना है, ठीक है? छान के ये जो ऊपर की जड़ी बूटियाँ हैं ना, उसको भी पीस के आप हेयर मास्क की तरह बालों में लगा सकते हैं और शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप ये हेयर ऑयल अपने बालों में लगाओगे, बालों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हैं ये आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। हेयर के लिए धीरज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्ट्रेस को कम कर देना है। घर पे बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर यूज़ की गई है। हफ्ते में 2 से 3 बार इसे यूज़ करिएगा, रात को लगा के सुबह वॉश कर सकते हैं। घर पे बने चीज़ों की बात ही अलग होती है, और हमारी आँखों के सामने ये चीज़ बनी हुई होती है। आपका हेयर ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो नए नए छोटे छोटे बाल हैं ये स्कैल्प पे धीरे धीरे आना शुरू होंगे, हेयर लॉस है वो रुक जाएगा, और आपको धीरे धीरे फ़र्क ज़रूर से नज़र आएगा। तो ज़रूर से यूज़ करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना।